आप लोगों को बहुत चाहते हो, तो इसलिए तो प्लीज़ अभी सपना की हालत ज़्यादा ठीक नहीं है, धीरे धीरे रिकवरी हो रही है, तो प्लीज़ उसको टाइम दीजिए। खुद परेशान है, वो आपको जैसे ही सही होगी तो वो आपको अपडेट दे देगी, और जो भी हुआ था, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वो सब आपको बताएगी। अभी बस उसको थोड़ा सा टाइम दे दीजिए, और प्लीज़ ऐसे नेगेटिव कमेंट मत कीजिए, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। जैसे कि अपने ही घर में कुछ हो जाए तो आप समझ सकते हो। आप सब लोग कमेंट तो कर देते हैं, बस लिखना ही है, ये सोचकर हर कोई कमेंट कर देता है, लेकिन अभी ये नहीं सोचा कि उसकी दो बच्ची हैं, वो है, मम्मी है, पापा हैं, अंशु हैं, सबका उसको ख्याल भी रखना है, सबके लिए सोचती भी है। तो प्लीज़ उसको हिम्मत दें और उसका साथ दें, ना कि नेगेटिव कमेंट करके उसकी हिम्मत तोड़ें। उसको हिम्मत दोगे वो उतना ही संभलेगी, अपने आप को संभालेगी, अंशु को भी, आरू को। तो गाइस, मुझे पता है कि आप सपना के अपडेट को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हो और आपको अपडेट अभी मिल नहीं पाया है, और पता ही है कि आपको ये कोई छोटी मोटी बात तो है नहीं कि जिसको भूला जा सके या बुलाया जा सके। रही पहले सूरज जीजा जी के अपडेट की, तो उनके लिए मोनू जीजा जी सपना दोनों ही थे, और इस टाइम आपको पता है सपना बहुत ज़्यादा अकेली है, तो सपना को हमारी आपके सबके सपोर्ट की ज़रूरत है, तो उसे अभी सब लोगों का सपोर्ट चाहिए, ना कि ये बहुत सारी नेगेटिव कमेंट कर रहे हैं सपना के लिए, सिप्पी दीदी है उनको भी कर रहे हैं, और ये वीडियो जो मैंने डाला था आपने उस पर भी बहुत सारी कमेंट की है। बस जस्ट इमेजिन कि एक दिन में ये सब कुछ बदल गया, वो एक दिन का ही वीडियो था, उसी टाइम जस्ट हम लौट के आए थे, उससे दूसरे ही दिन की बात थी। तो प्लीज़ ऐसे नेगेटिव और बेकार की कमेंट ना करें, तो जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं तो सारे क्वेश्चंस का वो जवाब आपको दे देगी, थोड़ा सा टाइम चाहिए उसको, अभी तबीयत ख़राब है, जैसे ही वो सही होगी तो आपको अपडेट मिल जाएगा। अगर आप कहते हो कि आप नहीं दे रहे हो, आप उसके भाई हो, जैसे कि मैं आपको अगर अपडेट देता भी हूँ ना, तो कल आप ही कहोगे कि सिस्टर के साथ ऐसा हो गया और भैया वीडियो बनाने में भी चाहिए, जैसे कि आज मैंने डाल दिया तो आप लोग सब बोल रहे हो कि